अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी, भटियारा स्टाइल चिकन जमजम पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है, हमें चिकन टिक्का बना लेना है। उसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, काली मिरी, नमक और फूड कलर है, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, ये इसमें ऐड कर ले। 1/2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर है, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चिकन कीमा लिया है, उसमें भी हमें कुछ मसाले ऐड कर लेने हैं। 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे ये हम इसमें। और 1 टेबल स्पून के करीब चने का आटा यानी बेसन भी ऐड कर दे और साथ ही 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दे। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू यूज़ किया है, ये भी इसमें ऐड कर ले। इस चिकन के कीमे से हमें कबाब या आप कोफ्ता भी बोल सकते हैं, वो बना के हमें रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने आधा प्याज यूज़ किया है, हरा धनिया और पुदीना भी इसमें ऐड कर लेंगे हम। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, 1/2 टीस्पून के करीब वो भी ऐड कर दे इसमें। और हमें इसे मैरिनेट कर लेना है, हमें इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है दोनों चीज़ों को, चिकन टिक्का और चिकन कीमा को। देखिए यहाँ हम 1 कप के करीब बासमती राइस को भिगा लेंगे आधे घंटे के लिए। इसमें पानी ऐड कर लेंगे हम और इसे भिगा के हमें साइड में रख देना है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है जो हमने कबाब का मिक्सचर तैयार किया था, उससे अब हम कबाब बना लेंगे। अब अपनी मर्ज़ी से राउंड या लंबे शेप में कबाब बना सकते हैं, यहाँ पर मैं राउंड शेप में कबाब बना रही हूँ। इसी तरह से हमें सारे कबाब को बना के रेडी कर लेना है। देखिए मैंने सारे कबाब को बना के रेडी कर लिया है, अभी हमें इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से तेल को गरम करने रख दिया था, हमें यहाँ शैलो फ्राई करना है और हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसे आपने गोल्डन नहीं करना है, एक एक करके आप कबाब को डालते जाए और फ्राई कर ले दोनों साइड से। देखिए वहाँ कबाब के फ्राई होने तक हम पुलाव की तैयारी कर लेंगे। एक पैन में यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब तेल ले ले, तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले। उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर ले, इसे क्रैकल होने दे। उसके बाद यहाँ पर एक दालचीनी, एक फूल और एक बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता ऐड कर ले, इसे भी क्रैकल कर ले। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो इसमें ऐड कर ले, स्टर कर ले इसे अच्छी तरीके से। हमें प्याज को लाइट पिंक कलर होने तक के फ्राई कर लेना है। देखिए कबाब मैंने निकाल लिए हैं, इसे साइड में रख देंगे अब हम। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो भी फ्राई हो गई है, इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे सॉटे कर ले अदरक लहसुन की स्मेल जाने तक। देखिए उसी तेल में अब हमारे जो चिकन टिक्का के पीसेज है जिसे हमने मैरिनेट किया था वो फ्राई कर लेंगे अब हम। एक एक करके आप पीसेस को ऐड कर ले और इसे भी हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट सॉटे हो गया है, इसमें टमाटर ऐड कर ले। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर यूज़ किया है, नमक ऐड कर ले, मिक्स कर ले इसे अच्छी तरीके से।
हमें कवर करके टमाटर को अच्छी तरह से टेंडर कर लेना है। देखिए हमारे चिकन टिक्का के पीसेस भी रेडी है, इसे भी साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, इसमें हमें हल्दी और हल्का सा नमक ऐड कर लेना है। इन आलूओं को हमें फ्राई कर लेना है उसी तेल में जिसमें हमने चिकन टिक्का के पीसेस और हमारे कबाब को फ्राई किया था। देखिए वही गरम गरम तेल में आलू को ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। अब हम इसमें आधा कप के करीब दही ऐड कर लेंगे। जिस बाउल में मैंने चिकन टिक्का को मैरिनेट किया था उसका मसाला बचा था, तो उसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने बाउल को क्लीन कर दिया है। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरीके से, और हमें दही को भी बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है 5 मिनट के लिए। दही की भी स्मेल नहीं आनी चाहिए इसमें। देखिए यहाँ पर हमारे चिकन जिंजम पुलाव की चीज़ें बनके रेडी है। कबाब, आलू, चिकन टिक्का के पीसेस, और यहाँ पर मैंने 2 eggs को पहले ही बॉईल कर लिया था। यहाँ पर जो हमारी दही है वो भी अच्छी तरह से भुन गई है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 teaspoon धनिया जीरा पाउडर, 1/4 teaspoon के करीब गरम मसाला पाउडर। स्टर कर ले इसे एक बार। अब इस मसाले में हमें 100 ग्राम चिकन और ऐड कर लेना है। 1/2 tablespoon के करीब मैंने सुहाना चिकन बिरयानी का मसाला भी यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्टर कर ले इसे। यहाँ मैं 2 से 3 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, उसके लिए हर चीज़ की क्वांटिटी कम है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर ले जो भी मैंने यूज़ किया है। देखिए हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छी तरीके से। अभी हमें चिकन के मिक्सचर में पानी ऐड कर लेना है चावल के लिए। यहाँ पर मैंने 1.5 cup के करीब पानी ऐड किया है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दे। आधा नींबू भी ऐड कर दे, इससे जो हमारे बासमती राइस है वो अच्छे खिले खिले बनेंगे और जायका और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। मिक्स कर ले और इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने दे। देखिए अच्छी तरह से हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब जो हमने चावल को भिगा के रखा था बासमती राइस को, वो उसमें ऐड कर देंगे। पानी को स्ट्रेन कर लिया है मैंने। स्टर कर ले इसे अच्छी तरीके से। चावल के हिसाब से नमक ऐड कर ले। हमने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक ऐड किया है, तो आप टेस्ट करके ही नमक ऐड करें। स्टर कर ले इसे, और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है। देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारे जो चावल है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें हरा धनिया और पुदीना ऊपर से गार्निश कर ले, और एंडिंग में फाइनली जो भी चीज़ें हमने बना के रेडी की है वो ऊपर से अब हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कबाब ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का के पीसेस को ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे ऊपर से प्लेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉयल एग्स थे जो मैंने आपको बताया था, वो भी इसमें ऊपर से अब हम ऐड कर देंगे। फ्राइड आलू है, ये भी हमें इसमें ऐड कर लेना है। इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ वैरायटी में खाने मिल जाती है, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। गेस्ट भी खुश हो जाएंगे, आपको दिल से दुआ देंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर पर गेस्ट आए तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के आप उन्हें खिलाना। देखिए लास्ट में मैंने हरा धनिया से इसे गार्निश कर दिया है। बस इसे हमें 5 मिनट के लिए कवर कर देना है दम आने तक। देखिए हमारा गर्मा गर्म चिकन जमजम पुलाव बनके रेडी है सर्व करने के लिए। सो हाउ डू यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। जज़ाकअल्लाह खैर, मिलेंगे एक और एक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।